नमस्कार, मैं रमा भाटी जयपुर से। मैं जन सरोकार मंच को नमन करते हुए आदरणीय देवेंद्र जोशी जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे मंच पर बोलने का दोबारा सुअवसर प्रदान किया। और मैं उन सभी श्रोताओं जनों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ जो मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। पाती अपनों की मुहिम के अंतर्गत पाती डाकिये को के नाम आयोजन में YouTube के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी और डॉक्टर मीना सिरोला जी को हार्दिक नमन करती हूँ और उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें पाती अपनों की मुहिम शुरू कर उसमें जुड़ने का अवसर प्रदान किया। उनका ये प्रयास सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है। अभी तक करीबन 15-16 पार्टियों पर अलग अलग काम हो चुका है। मैंने भी 10-11 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मेरी भी काफ़ी पार्टियां चयनित भी हुई हैं। सबसे अच्छी बात है पाती अपनों की सारी टीम बहुत ही मेहनती है, इसके लिए मैं सबको साधुवाद कहना चाहूँगी। इस मुहिम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सह संयोजक एवं पुस्तक की संपादक डॉक्टर मीना सिरोला जी का विशेष सहयोग रहा है। मैं अति जिला कलेक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट आदरणीय सूरज सिंह नेगी जी और डॉक्टर मीना सिरोला जी का आभार प्रकट करती हूँ। नेगी सर ने टोडा राय सिंह के स्कूलों में भी बच्चों को पाती लेखन और पाती वाचन के लिए पाती वाचन करवाया और बच्चे भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्राय लुप्त होती पत्र लेखन को दोबारा चलाकर नेगी सर उसे राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। 14 मई 2023 सवाई माधोपुर में राजीव गांधी संग्रहालय में विषय पाती डाकिये को का पाती सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सभी पाती लेखकों को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। अतिरिक्त जिलाधिकारी आदरणीय सूरज सिंह नेगी सर ने उस क्षेत्र के सभी डाकियों को सम्मानित किया। डाकियों की आंखों में खुशी के भाव देखकर मन विभोर भाव हो उठा। पाती डाकिये को पुस्तक में मेरे पत्र को भी चयनित किया गया। आदरणीय नेगी सर व प्रतिष्ठित साहित्यकारों द्वारा पुस्तक व प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अपने को बड़ा गौरव महसूस करती हूँ और भगवान त्रिनेत्र की इस पावन नगरी पर जाकर बहुत ही दिल को सुकून सा मिला। अब मैं अपनी पाती वाचन शुरू करती हूँ। आदरणीय अंकल, 23 मार्च 2022 को लिखी गई मेरी पाती। आदरणीय अंकल, सादर नमस्कार। बहुत समय पहले जब हम छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में प्रतिदिन दोपहर के समय साइकिल की घंटी बजा करती। उस साइकिल पर एक अंकल जिनका नाम राम मोहन था, वो अपने कंधे पर एक झोला लटकाए आते। उनके झोले में खूब सारे पत्र होते। वह कभी किसी घर के आगे, कभी किसी घर के आगे जोर जोर से घंटी बजाते तो दौड़कर कोई ना कोई घर से बाहर आता और पत्र लेकर खुशी से चिल्लाता कि चाचा का या नाना का या मौसी का या दोस्त का किसी का पत्र आया है। कुछ समय पश्चात हम बच्चे राम मोहन अंकल के साथ घुल मिल गए और धीरे धीरे
उन्हें रामू चाचा कहने लगे। मुझे आज भी याद है, उन्हें हमारा रामू चाचा कहना अच्छा लगता था। फिर दोपहर होते ही हम इंतज़ार करते, क्योंकि बचपन में तो यही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि डाकिया अंकल कब आएंगे, किसके घर की चिट्ठी लाएंगे, किसके घर की घंटी बजाएंगे। मुझे बहुत खुशी होती कि जब हमारे घर पत्र आता तो दादी मुझे पत्र पढ़ने के लिए कहती। एक बार रामू चाचा सुबह सुबह ही आकर घंटी बजाने लगे और बोले, वर्मा साहब आपका तार आया है। तो पापा जल्दी से बाहर गए और तार लेकर अंदर आ गए। घर में सब इकट्ठे हो गए, किसका तार आया है, क्या लिखा है, जाने क्या बात है। धीरे धीरे समझ आने लगी कि जल्दी संदेश पहुंचाना हो तो तार भेजते हैं, बाद में उसी को टेलीग्राम कहने लगे। लेकिन अब कहाँ वो सब, अब तो टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि ने उन सब की जगह ले ली है। लेकिन जो एक एहसास पत्र आने पर होता और पढ़कर दूसरे की भावनाओं को हम समझ पाते और डाकी का इंतज़ार करते, उसकी खुशी ही और होती थी। ख़ास तौर पर उन्हें खाकी वर्दी में देख फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, रामू चाचा आप हर रोज़ एक तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटी जब तक हम ड्यूटी पर हैं तो खाकी वर्दी ही पहननी होती है, ड्यूटी के बाद हम कपड़े बदल लेते हैं। उनके साथ हमारा बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया था। हमारे जीवन में एक दूसरे को संदेश भेजने, चाहे खुशी का या गमी का, घर के पत्र हों या दफ्तर के, बहुत ज़रूरी हो तो टेलीग्राम से इन सभी संदेशों को पहुंचाने की सक्रिय भूमिका सिर्फ डाकिये की ही है। पहले ज़माने में हमारे घरों में डाकिये की बहुत अहमियत होती थी। उनको घर के सुख हो दुख हो, होली दिवाली अपने घर की सदस्यों की तरह ही अहमियत दी जाती थी। लेकिन अफसोस आज हम उनको उतनी अहमियत नहीं देते। उनका हमारे घर में कितना महत्व है, उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है, कभी सोचा है हमने? कहाँ गया वो इंतज़ार उस खाकी वर्दी वाले का। किसी ज़माने में गांव में बहुत इंतज़ार रहता था डाकिये का, क्योंकि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। बुज़ुर्ग माँ बाप जिनके बच्चे गांव से बाहर पढ़ने और नौकरी करने गए हुए होते, या सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए सैनिकों के संदेश उनके घरों तक पहुंचाते और उनके माता पिता को पत्र पढ़कर भी सुनाते। यहाँ तक गांव वाले डाकिये को बिल्कुल पारिवारिक सदस्य मानते हुए उसी से ही अपना हालचाल पत्र पर लिखवा कर अपने बच्चों को भिजवा देते। क्योंकि उस समय इसमें ये नहीं होता था कि डाकिया है वो बाहर का सदस्य है तो हम उसको अपने घर की बात नहीं बताएं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही उनसे जैसे समाचार सुनते थे और उसी तरह उनसे संदेश भी पहुंचाते थे। पढ़ने का इतना महत्वपूर्ण काम करते थे तो उनको कैसे भूल सकते हैं। अब हमारे दिलों में तो उनके लिए उतनी इज्जत अभी भी होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है ये काम। भरी दोपहरी हो या हल्की बारिश,
या शीतलहर, वह घर घर जाकर डाक बांटते हैं। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमारा उनके प्रति आत्मीय लगाव और आदर जरूर होना चाहिए। मेरे मन में आज भी डाकिया राम मोहन अंकल, जिन्हें हम बचपन में रामू चाचा कहकर बुलाते थे, उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता के भाव हैं। मैं आज भी कोई घर में डाकिया कुछ भी लेकर आए, कोई भी पत्र, कोई भी, अब तो खैर टेलीग्राम का रिवाज नहीं है, मैं उनको उतनी ही इज्जत और मान देती हूँ। होली दिवाली हो तो उसी तरह उनको पहले की तरह ज़रूर कुछ ना कुछ सगन या कुछ भी देती हूँ, क्योंकि वह आज भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। ये पत्र रामू चाचा आपको समर्पण करते हुए सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं इसी में पाती वाचन के बाद आपको चार लाइनें खत पर ही सुनाना चाहूँगी। वो भी क्या दौर थे जब खतों में जज्बात लिखकर भेज दिया करते थे डाक से। वो भी क्या दौर थे जब खतों में जज्बात लिखकर भेज दिया करते थे डाक से। खो जाती हूँ अब भी उन दिनों की याद में, खो जाती हूँ अब भी उन दिनों की याद में। कभी कभी खत पढ़ते पढ़ते अब भी आंसू बहने लगते हैं, कभी खुशी में तो कभी गमी में। उन अल्फाजों में खो जाती हूँ जिस तरह से वो जज्बात लिखे गए होते हैं। धन्यवाद।